आज मैं छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ, जो आसान रेसिपी है। तो पहले मैंने काबुली चना को 3-4 घंटे भिजा लिया था, उसके अंदर नमक और दालचीनी डाल के 4 सीटी लगा के उबाल लूँगी, जिसमें वो पूरी तरह से गल जाएगा। फिर मैं इधर भटूरे के लिए मैदा लिया है मैंने 1/2 किलो, उसके अंदर नमक और 3 चम्मच मैंने दही डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी और 3 चम्मच दूध इसको डाल के गूंथ लिया है, थोड़ा सा मैंने इसे सोडा भी डाला है, और लास्ट में मैंने इसमें 2 चम्मच तेल भी डाला है, क्योंकि मैंने जो दही डाला था वो दूध की मलाई से ही बनाया था। इसको सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है, इससे आप चाहे भटूरे बनाओ चाहे कुलचा बनाओ बहुत ही अच्छा बनता है, स्वादिष्ट लगता है एकदम। इसको 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे आटे को, और देखिए हमारा काबुली चना अच्छे से उबल गया है। तो इसमें से दालचीनी निकाल के एक पैन में, एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे, अदरक और लहसुन डालेंगे, और 2 दालचीनी डाला है मैंने इसके अंदर, और प्याज डाला है, फिर एक बड़ी इलायची मैंने कूट के डाली है, मुझे बड़ी इलायची का स्वाद बहुत पसंद है। उसके बाद टमाटर डालेंगे और इसको भून लेंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर कसूरी मेथी डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, छोले मसाले डालना है इसके अंदर, और धनिया जीरा पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, और काबुली चना को इसमें डालकर थोड़ा सा पका लेना है ताकि ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और पक जाए। यहाँ पे हम भटूरा तैयार करेंगे। देखिए हमारा आटा कितना मुलायम तैयार हुआ है, और इसको बेल लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए मैंने रखा है, पतली रोटी की जैसे ही बेलना है और बड़ा बेलना है, ऐसे ही भटूरे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरीके से हम तल लेंगे। कितने अच्छे से तला जा रहा है ना। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा भटूरा तल के तैयार है, और छोले भटूरे प्याज टमाटर नींबू से सजाइए, खाइए। कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए। उसके अंदर बारीक से नमकीन डाल सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की है। उसके अंदर प्याज टमाटर नींबू डालकर बहुत ही अच्छा लगता है। छोला भटूरा बनाना कितना आसान है, और हमारी सॉफ्ट रोटी तैयार है, जो 2 उंगली से उसकी रोटी टूट जाती है भटूरे की। ऐसे ही भटूरा बनाइए, खाइए।